हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल गया है आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन खाली लिस्ट में नाम होने से या नाम ना होने से हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, क्योंकि जब तक मार्क्स नहीं देख लेते तो तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी हम कितने नंबर से रह गए हैं, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, सिलेक्शन हो भी गया तो कितने मार्क्स आ गए हैं, सिलेक्शन के चांसेस आगे हैं या नहीं है, क्या मैं ड्रीम जॉब तक पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता, ये सारे सवाल अभी हमारे दिमाग में चल रहे हैं। ठीक, ये भी लग रहा है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं, किसके साथ अनफेयर हुआ है, किसके साथ फेयर हुआ है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये सारी चीज़ें भी हमारे माइंड में चल रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक एनालिसिस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये एनालिसिस आपके मार्क्स पे बेसिस पे ही होगा। आप मुझे बताओगे आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है या नहीं हुई, आपके रो मार्क्स कितने हैं, उससे मैं आइडिया लगा लूंगा किस पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ग्राफ को लीनियरली प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन लिस्ट आती हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कट ऑफ हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है वो कैटेगरी देख के नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता। ठीक, तो काफ़ी हद तक हम आइडिया लगा पाएंगे कि किस शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, अगर रो स्कोर इतना है तो फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर कितना आएगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो काफ़ी हद तक आपको ये एनालिसिस बेनिफिट कर सकता है, और जो भी चीज़ें होंगी इसमें मैक्सिमम सही होंगे अगर आप सही इनपुट दोगे, सही डाटा फॉर्म के अंदर फिल करोगे। तो सभी लोगों को ये फॉर्म फिल करना है, जिनका क्लियर हो गया उन्हें तो करना ही है, जिनका नहीं हुआ उन्हें भी फॉर्म में पार्ट लेना है। मैक्सिमम लोगों तक फॉर्म शेयर कर देना, वरना 3 महीने तक जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप अटके रहोगे। अब टीयर 3 का रिजल्ट कब आएगा, आप कॉपी चेक होनी स्टार्ट होंगी, आपकी टीयर 3 की कॉपी चेक होंगी, 40,000 लोगों की कॉपी चेक करनी है। आपको पता है एसएससी 3 से 4 महीने लगा सकता है आराम से, हो सकता है 2 महीने बाद ही दे दे जल्दी करके, लेकिन 3-4 महीने तक आप एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट आने में लग जाएगा इतना। ठीक, तो होगा क्या, क्या इतने टाइम में तो हमारा सीजीएल 2020 भी निकल जाएगा, तो हम उसके लिए ढंग से तैयारी करें या ना करें, ये चीज़ें सारी की हमारी क्लियर होनी चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको बता पाऊँ इस एनालिसिस के बाद। तो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तभी एक अच्छा एनालिसिस हो पाएगा। अगर सही से पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी इसमें मैंने ज़्यादा कुछ आपसे मांगा नहीं है, आपसे नॉर्मलाइज स्कोर पूछे टीयर 1 के, टीयर 2 में कौन से डे में आपका एग्जाम हुआ था, रो मार्क्स इंग्लिश और क्वांट में कितने, अगर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट का पेपर दिया था तो उसके नाम मार्क्स भी बता देना, स्टेटिस्टिक्स का पेपर दिया था तो उसके मार्क्स भी बता देना, टीयर 2 में क्वालिफाइड हो या नहीं हो ये बता देना, कौन सी लिस्ट में नाम है आपका वो बता देना, कैटेगरी बता देना, अपना फीडबैक दे देना। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इस फॉर्म में, कुछ चीज़ें हो जो मैं भूल गया हूँ डालनी, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। तो वेट रहेगा आपके इनपुट्स का, जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे पास सफिशिएंट इनपुट्स आ गए हैं एनालिसिस करने के लिए, तो मैं जल्द से जल्द आपको बताने की कोशिश करूंगा। डिले नहीं करूंगा मैं अपने एंड पे, बिल्कुल भी डिले करने की कोशिश नहीं करूंगा, जितना जल्द से जल्द हो जाएगा अपने काम छोड़ के मैं इसका एनालिसिस करूंगा आपका। ठीक है, तो आप से बस इस वीडियो में इतना ही कहना था, बाकी आपस में ज़्यादा बहस करो, बात करने से कुछ नहीं होगा, अलग अलग टेलीग्राम्स ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप से लगातार 1000 बार डिस्कशन करने से कुछ फायदा नहीं। आप डेटा दोगे एक बार के, सही इनपुट्स आपको मिल जाएंगे, सही चीज़ें पता चल जाएंगी, वरना हम रैंडम टॉक्स में लगे रहेंगे, अपने दिन और खराब करेंगे, ना ही हमारी आगे की तैयारी हो पाएगी, ना ही पीछे जो एग्जाम निकल गया उसमें सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, आप मेरे पे भरोसा करो और डेटा दो, जल्द से जल्द मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा, उसके बाद फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।